यो व्हाट्सएप गाइज का सब लोग आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रील्स गेमर। तो आज हम करने वाले हैं 100 डे सर्वाइव का पहला पार्ट है ये। तो गाइज डे वन में मैंने कुछ सीपों को मारा ताकि मुझे फूल मिले और मैं इस सीप को मारते मारते एक गड्ढे में फंस चुका था। लिटरली गाइज इस गड्ढे से निकलने मुझे 2 दिन लगे। गाइस डे टू को मैं बाहर निकला, मैंने और पिग को मारा और फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक्सप्लोरिंग पर निकल लूं। तो गाइस मैंने सोचा प्लेन वायुम में ज़्यादा जल्दी विलेज मिलेगा तो मैं प्लेन्स वायुम की तरफ बढ़ दिया। और गाइस मैं जाता और फिर मैं एक्सप्लोरिंग पर निकलता गया और सामने एक और सीप दिखी जिसको मैंने मारा और उसको मारने के बाद मैं फिर से एक्सप्लोरिंग पर निकल गया। मैंने सोचा टूल्स तो ऐसी है कि बाद में बना लेंगे, पहले विलेज मिल जाएगा तो बेड मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। और मैं इधर मुझे बिल्कुल प्लेन जगह मिली और मैंने देखा विलेज, वाओ विलेज बन गया गाइज। और डे 3 से 5 तक मैंने उस विलेज को लूटा, कैरेट लूटी और हेवे लूटी और वहाँ से ब्रेड एमराल्ड जो कुछ मिला सब लूटा और डे 5 तक लूटा ही लूटा, सारे विलेज को लूटा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैंने देखा कि दिस विलेज इज ब्रोकन। जी हाँ गाइज, मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर और मुझे एक और चीज़ भी मिली है ब्रोकन, उसको भी उसी वीडियो में डालूंगा, इसीलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ब्रोकन हाउस इन माइनक्राफ्ट गाइज। फिर इसको लूटने के बाद विलेज को और हेवेल भी थी उनको लूटने के बाद मेरे पास इतना स्टफ था बस इस लेदर को छोड़ के, ये ऊपर का जितना स्टाफ है ये सब मैंने विलेज से लूटा। उसको लूटने के बाद मैंने 6 से 7 तक माइनिंग पर गया, स्टोन की माइनिंग गाइज, स्टोन की माइनिंग। और स्टोन की माइनिंग से आके मेरे पास 1 स्टैक और 5 स्टोन हो गए थे और मेरी बुडन पिकैक्स भी टूट गई थी, इसलिए मैंने अब स्टोन टूल बनाने का सोचा। तो गाइज मैं स्टोन टूल बनाने लगा, स्टिक बनाई, स्वॉर्ड बनाई। गाइज मैंने माइनिंग तो की थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैं माइनिंग को कट कर देता हूँ। अब मैं स्टोन के टूल बना लिए मैंने और फिर क्राफ्टिंग टेबल लेके मैं चल दिया डे 8 को। और मैंने सोचा यहाँ के आयरन गोलम को मार दूँ, हाँ भाई आयरन मिलेगा फ्री का। जी हाँ गाइस, फिर मैं निकला, मुझे आयरन गोलम देखा, वो उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैं 3 ब्लॉक ऊपर टंगा और मैंने हेडशॉट और फिर मैं स्टोन की शॉट से उसको मारने लगा और मारते बहुत मारा। वो मुझे देख रहा लाल लाल आँखों से और वो मर गया, उसकी आँखें भी नहीं रंग, उसके अंदर पंजा ढीले हो गए। क्या गरीब आयरन गोलम था, लगता है इसको पोलियो हो गया था गाइज, केवल 3 आयरन दिए। हाँ गाइज इसको पोलिया नहीं पोलियो हो गया था गाइज, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा गाइज। मुझे आयरन मिला, मैंने सील्ड और फ्लिंट एंड स्टील बनाया और गाइज फिर मैं आयरन की माइनिंग पर गया, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि आप बोरिंग हो जाओगे। गाइस मैं आयरन की माइनिंग से आके मैंने सोचा उनको पका भी लिया और मैंने फिर अपने आर्मर बनाए, फुल्ली टूल बनाए, फुल्ली आर्मर बनाए। और गाइस ये सब करने मुझे डे 10 से 15 लगे, माइनिंग से आया, फिर आयरन पकाया, फिर आर्मर बनाया। गाइस डे 15 हो चुके थे, मतलब कि डे 50 गाइज मैं अब हो गया था फुल्ली अपग्रेड टू आयरन, मैं बन चुका था आयरन मैन सलमान द फैन। और इतने में ही नाइट हो गई तो मैं एक विलेजर के घर जाकर सोने चला गया और मैं सो गया।
गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये है डे 16 और मैंने सोचा मैं घर बना लूं। तो गाइज मैंने डे 25 तक अपनी मेहनत से घर बनाया और गाइज देखिए मुझसे ऐसा घर बनाया। अब आपको अच्छा लगे तो बताइए, ना लगे तो भी बताइए, कमेंट जरूर कीजिए इसके बारे में। गाइज ये घर बनाया है मैंने, इसमें मुझे लिटरली 10 दिन लगे। गाइज ये घर में मैंने ये कैंडल भी लगाई न्यू अपडेट की। हाँ गाइज मुझे हनी कॉम्ब भी लाना पड़ा और मैंने मोबों को मारा तो स्ट्रिंग मिली, इससे मैंने कैंडल बनाई। गाइज देखिए अब मैं आपको रूफ पर जाके दिखाता हूँ, ये है कॉपर की रूफ। मैंने माइनिंग की थी ना गाइज वो आयरन की, उसी में मुझे बहुत सारा कॉपर मिला और इसको एक्स मारने से ये ठीक हो जाता है। यस मैंने इसको ठीक किया और मेरी स्टेयर भी, स्टेयर पर भी एक ऐसा ये क्या आ गया था मुझे नाम नहीं आ रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मैंने इस स्टेयर के को भी एक्स मार के मैंने सोचा ठीक ही कर दूं, इससे पोलियो हो गया था गाइज। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉच।